मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न इन ईवीएस थिंग्स यू सी इन डाइनिंग रूम. ओके, थिंग्स, टी एच आई एन जी एस, थिंग्स यू सी इन डाइनिंग रूम, यू सी इन डाइनिंग रूम, डी आई एन आई एन जी, डाइनिंग रूम, आर डबल ओ एम, रूम. व्हाट इज द मीन ऑफ डाइनिंग रूम? डाइनिंग रूम का मतलब क्या होता है? डाइनिंग रूम कौन सा होता है? जिसमें हम खाना खाते हैं वो कौन सा रूम होता है? डाइनिंग रूम. वी टेक अवर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ओके, है ना, जहां पर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, वो कौन सा रूम होता है? डाइनिंग रूम, है ना. सो थिंग्स यू सी इन डाइनिंग रूम, तो वो वाली चीजें आज हम सीखेंगे जो डाइनिंग रूम में हम देखते हैं. डाइनिंग रूम में हम देखते हैं लाइक दिस. टेबल, ओके, टेबल, डाइनिंग रूम में टेबल होती है, टी ए बी एल ई, टेबल, टी ए बी एल ई, टेबल. चेयर्स, सी एच ए आई आर एस, चेयर्स, सी एच ए आई आर एस, चेयर्स. प्लेट, पी एल ए टी ई, प्लेट, पी एल ए टी ई, प्लेट. Bowls, B O W L S, bowls. Spoon, S P double O N, spoon. Fork, F O R K, fork. Okay, things you see in dining room, ये वो चीजें हैं जो हमें डाइनिंग रूम में दिखाई देती है या यूज में आती है डाइनिंग रूम में. टेबल, टेबल होती है डाइनिंग रूम में, डाइनिंग टेबल होती है जिस पर हम खाना खाते हैं, जिस पर रखकर हम खाना खाते हैं, टी ए बी एल ई, टेबल. चेयर्स, सी एच ए आई आर एस, चेयर्स, चेयर्स पर हम बैठते हैं और फिर अपना खाना फिनिश करते हैं. प्लेट, पी एल ए टी ई, प्लेट, प्लेट होती है जिसमें हम रखकर खाना खाते हैं. बाउल्स, बी ओ डब्ल्यू एल एस, बाउल्स, कटोरियां होती हैं, है ना, बी ओ डब्ल्यू एल एस, बाउल्स. स्पून, एस पी डबल ओ एन, स्पून, स्पून से हम चम्मच से खाते हैं, राइस है ना, वेजिटेबल्स है,
कुछ भी है वो हम स्पून से खाते हैं, फॉर्क, एफ ओ आर के फॉर्क, कांटा, एफ ओ आर के फॉर्क, ओके। सो बेटा आपको अपना जो खाना है बहुत ही अच्छे से है ना, गुड मैनर्स से आपको खाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप कैसे भी बहुत ही गंदे तरीके से आप खाना खाएंगे, नो, दिस इज बैड मैनर्स, ओके, दिस इज बैड मैनर्स। तो गुड मैनर्स वाले बच्चे कौन से होते हैं, जो अपना खाना प्रॉपर वे में खाते हैं, ऐसे नहीं कि ठीक है आप हाथ से खा रहे हो, नो, डोंट डू दिस। आपको कुछ भी है स्पून से खाना है ना, फॉक से खाना है, बाउल में प्रॉपर तरीके से बाउल प्लेट यूज करना है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, खाना फैलाकर खाते हैं, नहीं, ये बैड मैनर्स होते हैं। खाने को बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, है ना, और खाने को झूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए। मम्मा आपके इतने अच्छे से आपके लिए प्यार से बनाती है खाना, तो आपको पूरा खाना फिनिश करना चाहिए, बिल्कुल भी खाना छोड़ना चाहिए। गॉड भी पनिशमेंट देते हैं अगर हम झूठा छोड़ते हैं तो, ओके। टेबल, चेयर्स, प्लेट, बाउल्स, स्पून, फॉर्क, दीज आर थिंग्स वी कैन सी इन डाइनिंग रूम, जो हम डाइनिंग रूम में देख सकते हैं, है ना। अब है सर्कल द थिंग्स विथ विच यू ईट, हमें उन थिंग्स पर सर्कल करना है जो हम, जिससे हम खाते हैं। सर्कल द थिंग्स विथ विच यू ईट, सर्कल द थिंग्स उन थिंग्स पर सर्कल करना है विथ विच यू ईट, जिससे कि हम खाना खाते हैं। जैसे बाउल्स है ना, बाउल्स हम रखकर खाते हैं, टेबल है, टेबल पर भी आपको सर्कल करना है, फॉर्क पर भी, हैंड, हाथ से तो खाते हैं हम, है ना, चेयर पर बैठकर खाते हैं, प्लेट, है ना, स्पून, ये सब कौन सी थिंग्स है, जो थिंग्स हमारे डाइनिंग रूम में यूज में आती हैं, खाने के यूज में आती है, उन थिंग्स पर आपको सर्कल करना है। सो पेज नंबर 62, डी ओ डू, पेज नंबर 62 एंड 63, डू पेज नंबर 62 एंड 63 इन योर ईवीएस बुक। आपको इस वाली बुक में पेज नंबर 62 और 63 करना है ना, बहुत सुंदर तरीके से करना है। ओके, और बेटा ये जो स्पेलिंग्स हम लिखते हैं इनको आपको रीड भी करना है, बोलना भी है, और इन स्पेलिंग्स को लर्न भी करना है ना, इससे आपको आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, आपको रीडिंग आएगी, और आप अच्छे से लिखेंगे तो आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छे से होगी, है ना। तो आपको ये सारी स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए, आपको ये सारी स्पेलिंग्स रीड करनी है, ओके। दिस इज योर होमवर्क, थिंग्स यू सी इन डाइनिंग रूम, ये वो चीजें हैं जो हमें डाइनिंग रूम में यूज में आती है ना। थैंक यू।